बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आए। शाम करीब 5:15 बजे बाड़मेर पहुंचे मोदी ने आदर्श स्टेडियम में बाड़मेर से लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा की। मोदी ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। जनसभा को भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने संबोधन में राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बाड़मेर में जनसभा के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश का शोषण किया, लेकिन अब देश की जनता नहीं सहेगी। जनसभा को भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रकाश माली, पूर्व विधायक सांग सिंह, पूर्व मंत्री अमराराम, सिवाना विधायक हमीर सिंह, पूर्व विधायक तरुण राय कागा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा में हजारों की संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रत्याशी के रूप में, एक सेवक के रूप में जो टिकट दिया है, ये मेरा टिकट नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते आप सभी का टिकट है। और इस राजस्थान का गुनेगार कौन है? इस बार मेरा जैसलमेर के अंदर 7 साल तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी आए और जिन्होंने कांग्रेस के लोगों ने कभी यहाँ पर विकास की बात नहीं की। उन्होंने गरीब को गरीब रखने का काम किया, अनपढ़ को अनपढ़ रखने का काम किया। कभी किसी व्यक्ति ने विकास की बात भी उनके सामने रखी तो वो कहते थे कि विकास सड़क की बात करते थे कि हमारे गांव में सड़क होनी चाहिए, तो वो लोग कहते थे कि क्या करेंगे सड़क को इस गांव में लाने से। अरे एक चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर दो विशेष शक्तियों के बीच का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो भारत जो है वो देश के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, गरीब को खून चूसने का काम किया और विदेशों में ले जाकर पैसा जमा कराया, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ईमानदार हैं। रविवार को भीषण गर्मी में बाड़मेर में आयोजित हुई जनसभा में मोदी अपने तय वक्त से 2.25 घंटे देरी से बाड़मेर पहुंचे। बावजूद इसके जनता को इस बात का कतई फर्क नहीं पड़ा। सभा में उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को उत्सुक दिखी। जैसे ही मोदी अपने काफिले के साथ स्टेडियम में दाखिल हुए, पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजस्थानी मंगल गीत गाती हुई नजर आई। रविवार को बाड़मेर में आयोजित हुई सभा में बाड़मेर सहित आसपास के कई जिलों से भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने को उमड़ पड़े। इसके चलते बाड़मेर में मेले जैसा माहौल नजर आया। आदर्श स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़ के कारण पांव रखने की भी जगह नहीं बची। ईश्वर का परमा रहते हैं और आतंकवादियों ने जाकर के
रविवार को भारी गर्मी के बीच आयोजित जनसभा में बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए और फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों में देश की सीमाएं ज्यादा मजबूत होने का दावा किया, साथ ही देश के दुश्मनों की ओर से देश की सीमाओं के पास आने से भी कतराने और दुश्मनों को उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने वन रैंक वन पेंशन, देश के शहीदों के लिए वॉर म्यूजियम बनाने सहित भाजपा सरकार की कई उपलब्धियां गिनाते हुए बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को विजयी बनाने की जनता से अपील की।